फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर सो गुड। सो आज है महाशिवरात्रि और आज है मेरा फास्ट और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सुबह मैंने अपने घर वाले मंदिर की पूजा कर ली थी और मैं, मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड अब जा रहे हैं संतोषी माँ के मंदिर, वहाँ शिव जी पर जल वगैरह चढ़ाने। तो मंदिर के लिए ही चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद बातें करेंगे। तो मैं सीधा आपको मंदिर में मिलती हूँ अब, तो फिर उसके बाद ही हम बातें करेंगे ना। तो पूजा पहले कर लूँ क्योंकि प्यास भी लग रही है, तो पानी भी पीना है मुझे, तो फिर वहीं चलते हैं। पास वाले मंदिर की हमारी पूजा हो गई है और संतोष माँ का मंदिर जा रहे हैं, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो इस मंदिर की हमारी पूजा हो गई है, इस वाले मंदिर की, तो आगे वाले मंदिर चलते हैं। आ जाओ, हम रास्ते में हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और ये लड़की पता नहीं क्यों आज स्मार्ट लग रही है, आई डोंट नो। वो वाली रील नहीं है, ये मैं हूँ। तो कौन है? स्मार्ट लग रही है, पता नहीं। अरे ये जा रही है पुजारन, चल रहे मंदिर अब। तो गाइस, हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पर भी बहुत शांति और बहुत ज्यादा सुकून मिलता है मेरे को। चलते हैं, जाओ फ्रेंड्स, पूजा करते हैं। दूध फैलिया, दूध किसका? सनी पकड़ना से मैं जलाऊं, जलाऊं ऊपर से ना। ये ना सिर्फ फूल की जगह, ये कोई उठाने आएगा? हाँ, फोन अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है। ये लोग उधम मचा रहे होंगे ना। क्या उधम मचा रहे? बस ये बना रहे थे। नहीं रहने दो, आजा। सो फ्रेंड्स, हम लोग ये ऊपर मंदिर में आ चुके हैं और ये जो पंडित जी बैठे थे, रामायण पढ़ रहे थे। और यहाँ ये सामने संतोषी माँ बैठी हुई हैं, हर फ्राइडे को यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और आप ये फिर इसके बाद ही, मतलब ये चारों तरफ राउंड लगाना पड़ता है, इनके फेरे लेने पड़ते हैं। तो अभी हम फेरे लेंगे तो फिर ऐसे फेरे लेते वक्त आपको कई भगवान जी दिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर शेरवाली माता बैठी हैं और ये इधर हमारी सरस्वती माता जी हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे राउंड में भगवान जी बैठे हुए हैं। यहाँ ये पीछे दीवार में लोग ये साथ ही वगैरह स्टीचे बनाते हैं।
यहाँ भी आप देख सकते हो हिरण माता बैठी हुई है भी। ये सामने आपको ये कृष्ण जी और राधा जी बैठे हुए हैं, और यहाँ मैं थोड़ा ये शिव जी की तरह बनवा रही थी अपने माथे पर। ये देख सकते हैं आप अंदर माता बैठी हुई है, संतोषी माता। और यहाँ आप देखिए सबसे ज़्यादा इस मंदिर में भीड़ शिव जी के पास ही है शिवरात्रि की वजह से, वरना अक्सर इस मंदिर में भीड़ ऊपर ही होती है संतोषी माँ के पास। तो यहाँ सब, और आप ये व्यू देख सकते हो आप, पूरा बहुत शांति रहती है इस मंदिर में। लास्ट व्यू ऑफ दिस मंदिर, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बहुत सुकून सा है इस मंदिर में। सो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आके सीधा थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीकनेस सी भी लग रही थी, और उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और अब मैं थोड़ा बहुत, टाइम हो रहा है आपके 3 बजने वाले हैं, तो अब मैं खा रही हूँ थोड़ा कुछ। मैं ये बनाना और थोड़ा सा मिल्क पी रही हूँ। उस टाइम आती मंदिर से आती, क्योंकि सुबह 2-3 मंदिर हम लोग गए तो थोड़ा वीकनेस सी मुझे लग गई थी, क्योंकि रात को भी मैंने कल कुछ पानी वानी नहीं पिया था, कल खाना भी नहीं खाया था, तो इसलिए मुझे वीकनेस थोड़ी हो रही थी। थोड़ा सा मैं लेट गई थी तो मुझे अब आराम मिला, तो अब मैं उठ के थोड़ा बहुत खा रही हूँ। तो मैं अच्छे से खा पी लेती हूँ और आज का व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। बाकी एक मंदिर और था जिसको मुझे जाना था, बट अभी कैपेसिटी नहीं है जाने की, उसमें मैं जाऊँगी ज़रूर। यहाँ पर हमारे राजेश्वर मंदिर भी है, वो प्राचीन मंदिरों में उसको गिना जाता है। उसकी स्टोरी भी है कुछ कि वहाँ पर शिव जी की मूर्ति कैसे स्थापित हुई, तो उसको मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी ही जाऊँगी, तब मैं उसको शूट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।